God, to see that you have done that you still in today. Paradesh, Mama Mazabi, 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 सारी दुनिया में अपने एक इंसानी तौर पर पहचानी जाती है और देश की आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कुर्बानियां दी। भारत की आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के मौके पर आजादी के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर शेर हिंदुस्तान शहीद टीपू सुल्तान और उनके खौल को के एक दिन की शहीद की जिंदगी 100 साल की गिदड़ की जिंदगी से बेहतर है। दिलेरान अंदाज में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए और उसी वक्त ब्रिटिश ने यह कह दिया था कि अब हिंदुस्तान हमारा है। फिरंगियों के अचानक हमले का मुकाबला करते हुए महामिर्जा खान ने सुल्तान पर अपनी जान निछावर कर दी। हाथी दरवाजे से फिरंगी लश्कर किले में दाखिल हो चुका है। छावनियों से सुल्तान के वफादार अपने बादशाह पर जान निसार करने हाजिर हुए हैं, लेकिन पानी दरवाजा बंद कर दिया गया है और दूसरे दरवाजों पर अंग्रेजों का कब्जा है।
सिपाहियों की तरह ऐसा भारत में बादशाह न हुआ। रू तो हो गई थी तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा न हुआ। कर्नल वेल्सले, आप चंद सिपाही लेकर अंदर जाइए। टीपू सुल्तान यकीनन महल में ही होंगे। आप महल का कोना कोना छान डालिए। टीपू सुल्तान अगर जिंदा हैं तो उनकी गिरफ्तारी, और अगर मारे जा चुके हैं तो उनकी लाश पर हमारा कब्जा बहुत जरूरी है। अगर कोई भी महल पर कब्जा करने से रोके तो उस पर बेखट के गोली चला दी जाए। ब्रिटिश आर्मी महल को अपने घेरे में ले चुकी है। यस सर। जनरल स्टीवर्ट, जनरल बैड, लुक हियर।
सुल्तान 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 द टाइगर इज डेड। आज से हिंदुस्तान हमारा है सुल्तान। लाश को महल में भिजवा दो।